नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट इंडिया लिमिटेड का जो आईपीओ आने वाला है उसका पूरा रिव्यू देंगे और जानेंगे कंपनी का क्या बिजनेस है, कंपनी की क्या फाइनेंशियल है, या फिर कब ये आईपीओ लॉन्च होगा, कितना बड़ा लॉट साइज होगा, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और कैसे आपको ये आईपीओ मिल सकता है, यानी चांस ज़्यादा कैसे आप कर सकते हैं। इन सभी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड 1980 के अंदर स्टार्ट हुई थी और आज इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटेल इंडिया है, यानी इतनी बड़ी कंपनी है ये, फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है इंडिया के अंदर। और दोस्तों कंपनी के दो प्रकार के मॉडल है, एक तो ओनरशिप मॉडल और एक लीज रेंटल मॉडल, यानी एक तो कंपनी खुद के स्टोर ओपन करती है और दूसरा कंपनी लीज के ऊपर भी, रेंट के ऊपर भी अपने स्टोर देती है, जो आज इंडिया के अंदर ओपन हो चुके हैं। आज कंपनी के पास टोटल 99 स्टोर है, जिसके अंदर 88 स्टोर मल्टी ब्रांड आउटलेट्स के है, यानी 88 स्टोर मल्टी ब्रांड आउटलेट्स के है और 11 स्टोर एक्सक्लूसिव ब्रांडेड आउटलेट्स है। और दोस्तों आपको बता दें जो आज 99 स्टोर कंपनी ऑपरेट कर रही है, इनके अंदर से दोस्तों 8 स्टोर ऐसे हैं जो कंपनी खुद के हैं, 85 स्टोर ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म लीज के ऊपर दिए गए हैं और 6 स्टोर ऐसे हैं जो पार्टली ओन है और पार्टली लीज है, यानी आधे लीज के ऊपर और आधे कंपनी खुद के पास। ऐसे अलग अलग हिसाब के बिजनेस मॉडल के हिसाब से आज कंपनी काम कर रही है और रिटेल के अंदर भी काम करती है, होलसेल के अंदर भी काम करती है और कंपनी के पास बहुत बड़ा ई कॉमर्स का बिजनेस भी है, यानी ई कॉमर्स के थ्रू भी कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है। दोस्तों आपको सिंपली बता दें कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे आइटम हैं, जैसे फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, इन आइटम के अंदर काम करती है और ये सेल करती है, इनके बड़े बड़े स्टोर है। तो दोस्तों आपको पता है इनकी डिमांड कितनी ज़्यादा है, तो कंपनी अच्छी ग्रोथ करेगी आने वाले समय के अंदर और बहुत बड़े लेवल पर काम करेगी। सबसे पहले बात आएगी दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल की। तो कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो टोटल असेट्स 31 मार्च 2019 को 1109.15 करोड़ थे और टोटल रिवेन्यू 2826.1 करोड़ थे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 73.1 करोड़। और इसके बाद नेटवर्थ की बात करें तो दोस्तों 2019 के अंदर 31 मार्च को 340.5 करोड़ और टोटल बोरोइंग की बात करें दोस्तों तो 377.06 करोड़ टोटल बोरोइंग था 2019 के अंदर। ऐसी दोस्तों आपके सामने टेबल है 2020 की, 21 की और 22 की, आप देख सकते हैं टोटल ग्रोथ भी अच्छी करी कंपनी ने, अच्छे नेटवर्थ है, बहुत ही अच्छे लेवल पर ग्रोथ कर रही है। और 2022 के अंदर बात करें 30 जून को 1755.58 करोड़ के टोटल असेट्स थे, टोटल रिवेन्यू था 1410.25 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 40.66 करोड़ और नेटवर्थ थी 637.97 करोड़ और टोटल बोरोइंग थे कंपनी के 475.91 करोड़। क्योंकि दोस्तों ये जून से पहले का डाटा है तो धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ करेगी, वैसे वैसे डाटा आएगा और ऐसे अपडेट भी किया जाएगा। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं इतने अच्छे फाइनेंशियल रिकॉर्ड के साथ कंपनी काम कर रही है और इंडिया के अंदर अच्छा ग्रोथ भी करेगी। तो बात कर ले दोस्तों आईपीओ डिटेल की, तो दोस्तों अभी कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है लगभग 500 करोड़ रुपए का, उसके बारे में बात करें तो दोस्तों आईपीओ स्टार्ट होगा 4 अक्टूबर को और बंद होगा 7 अक्टूबर को और फेस वैल्यू होगी 10 रुपए पर शेयर। शेयर का प्राइस बैंड होगा 56 से 59 पर शेयर के हिसाब से और लॉट साइज की बात करें तो दोस्तों लॉट साइज होगा 254 शेयर का और लिस्टिंग होगी दोस्तों एनएससी और बीएससी दोनों जगह और टाइप होगा बुक वैल्यू इशू आईपीओ। ठीक है दोस्तों, ये कुछ डिटेल थी आईपीओ के बारे में। और बात करें इंपॉर्टेंट डेट की तो दोस्तों आपको बता दें ओपनिंग होगी 4 अक्टूबर को, क्लोजिंग होगी 7 अक्टूबर को और अलॉटमेंट होगी 12 अक्टूबर को। इसके साथ यदि रिफंड की बात करें, जिसको आईपीओ नहीं मिला उसका रिफंड होगा 13 अक्टूबर को और शेयर डीमैट के अंदर जाएंगे 14 अक्टूबर को और लिस्ट हो जाएगी कंपनी 17 अक्टूबर को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट थी, जब आप आईपीओ अप्लाई करेंगे तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों इनकी बेस के ऊपर ही आप अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, और बात करें लॉट साइज के हिसाब से तो दोस्तों एक लॉट होगा 254 शेयर का जिसका प्राइस होगा 14,986 रुपए और मैक्सिमम 1% 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसके शेयर हो गए 3302, यानी 3302 शेयर के लिए 1% अप्लाई कर सकता है एक आईडी से, जिसकी टोटल अमाउंट होगी 1,94,818 रुपए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू शेयर होल्डिंग होगी 100% की और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग होगी 77.97% की। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको बता दें
इस आईपीओ के अंदर रिटेलर का कोटा होगा 35%, क्यूआईबी का कोटा होगा 50% और एचएनआई का होगा 15%। ऐसे कोटा होगा तो उसी हिसाब से आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम बहुत ज्यादा रिटेलर के अंदर अप्लाई किए जाते हैं, तो उसी हिसाब से आपको देखना होगा कि आप किस कोटे के अंदर अप्लाई कर रहे हैं और इस आईपीओ को आप ले सकते हैं। अब बात आई दोस्तों आप कैसे इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर पाएंगे और कैसे आपके चांस ज्यादा होंगे इस आईपीओ के मिलेंगे, तो दोस्तों आपको बता दें आप जिस भी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, जरोदा के साथ काम कर रहे हैं, अपस्टॉक के साथ काम कर रहे हैं, आप उनकी ऐप से डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई करेंगे। हम दोस्तों उसके लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है उसी दिन जब ये लॉन्च होगा, और जिस दिन से अप्लाई होगा उस दिन हम आपको अप्लाई भी करके दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों आप पहले अपने हिसाब से अप्लाई करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर कुछ नहीं पता होता, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, उस हिसाब से आपको देखना होगा, जीएमपी देखना होगा इसका स्टार्टिंग से और उस दिन तक कितना होगा, उस हिसाब से हम आपके लिए धीरे धीरे अपडेट भी लेके आएंगे, क्या जीएमपी है आज का कल का सभी जानकारी आपको देते रहेंगे, और फिर आप अप्लाई भी कर सकते हैं और इसे इग्नोर भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ रिव्यू थे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के, तो आप अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई भी कर सकते हैं और अच्छे पैसे इसके अंदर कमा सकते हैं। दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस से संबंधित, फ्रेंचाइजी से संबंधित, स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।